Let's improve English. दोस्तों मुझे आपको ये बताना है कि कैसे हम अलग अलग हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस हमारा कौन सा है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस बेचारी को तो पता भी नहीं चला कि सच क्या था। दैट पुअर गर्ल डिडंट इवन गेट टू नो द ट्रुथ। दैट पुअर गर्ल, दोस्तों पुअर का मतलब गरीब होता है, ये आपने सोचा होगा, लेकिन पुअर का मतलब बेचारे के सेंस में भी किया जाता है। वो बेचारी लड़की यानी कि दैट पुअर गर्ल डिडंट इवन गेट टू नो, यानी उसे पता भी नहीं लग पाया द ट्रुथ कि सच क्या था। वो मुझे बहुत कुछ समझाती रही पगली। शी केप्ट एक्सप्लेनिंग सो मैनी थिंग्स टू मी। शी केप्ट एक्सप्लेनिंग, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनेट है इसलिए कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट का यूज हुआ है। शी केप्ट एक्सप्लेनिंग यानी वो समझाती रही सो मैनी थिंग्स टू मी, मुझे काफी चीजें समझाती रही। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते रहते हो? वाई डू यू कीप लाइंग टू मी। दोस्तों लाए मतलब झूठ बोलना होता है, कीप लाइंग यानी झूठ बोलते रहना। वाई डू यू कीप लाइंग टू मी, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते रहते हो? मुझे कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई है। आई हैव नेवर फेल्ट, दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए इसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फील मतलब महसूस करना और फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट। आई हैव नेवर फेल्ट यानी मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया है, पैसे की कमी को फील नहीं किया है। द लैक ऑफ मनी, आई हैव नेवर फेल्ट द लैक ऑफ मनी यानी मैंने कभी भी पैसे की कमी को महसूस नहीं किया। मुझे नहीं लगता ये एक महीने चलेगा। दोस्तों हो सकता है आप कुछ मार्केट से खरीद रहे हैं और दुकान वाला कह रहा है कि एक महीने तो चलेगा ये, और आप कह रहे हो मुझे नहीं लगता एक महीने चलेगा। आई डोंट थिंक दिस विल लास्ट अ मंथ। आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता, दिस विल लास्ट यानी कि ये लास्ट करेगा यानी कि ड्यूरेबल रहेगा एक महीने तक। आई डोंट थिंक दिस विल लास्ट अ मंथ, मुझे नहीं लगता कि ये एक महीने तक चलेगा। तूने वहाँ जाके क्या हासिल कर लिया? तूने वहाँ जाके क्या हासिल कर लिया? दोस्तों हासिल करने को अचीव करना बोलते हैं। What did you achieve by going there? वहाँ जाके, by going there. What did you achieve by going there? तूने वहाँ जाके क्या हासिल कर लिया? किसी को ये पता मत लगने देना। दोस्तों कभी कभी हम किसी बात को छुपाना चाहते हैं तो हम ऐसी बात कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट लेट एनी वन गेट टू नो दिस। डोंट लेट एनी वन, दोस्तों लेट का मतलब अलाउ करना होता है। लेट का मतलब अलाउ करना यानी किसे जानने मत देना किसी को भी। डोंट लेट एनी वन किसी को भी गेट टू नो दिस, ये मत जानने देना, ये पता नहीं लगना चाहिए किसी को भी। उसने उसे बड़ी बेरहमी से मारा। दोस्तों हो सकता है एक आदमी दूसरे आदमी की चॉकलेट लेके भाग गया तो उसको आ गया बहुत गुस्सा, तो उसने उसे बड़ी बेरहमी से मारा। ही बीट हिम अप मर्सीलेसली। दोस्तों यहाँ पर हमें वर्ड सीखना है मर्सीलेसली। मर्सी का मतलब होता है दया। मर्सीलेसली यानी बेदर्दी से, बेरहमी से। ही बीट हिम अप मर्सीलेसली, बड़ी बेरहमी से उसे मारा। दोस्तों ध्यान दें कि बीट के सेकंड फॉर्म बीट होती है, यहाँ पर बीट ही आ रही है क्योंकि पास्ट सिंपल है। ही बीट हिम अप मर्सीलेसली, उसने बड़ी बेरहमी से उसे मारा। दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक ना करने की बेरहमी मत कीजिए प्लीज। माई फ्रेंड, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरीके के वीडियो लेसन आपको मिलते रहे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। We'll be right back.